नमस्कार साथियों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे पी बीपीएससी की तरफ़ से बीपीएससी पी थर्ड का जो आपका री एग्जाम का डेट शेड्यूल है तो वो यहाँ पर आपके जो है वो जारी कर दिए गए हैं टोटल आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका टी थर्ड का री एग्जाम होगा तो चार दिन में यहाँ पर आपके जो है कम्प्लीट होंगे उन्नीस जुलाई को यहाँ पर आपका पेपर होगा बीस जुलाई को और इक्कीस जुलाई को और ये जो आपका तीनों डेट में पेपर है तो एकल पाली यानी सिंगल शिफ्ट में आपका पेपर जो है कम्प्लीट होगा वहीं आप यहाँ पर देखेंगे बाईस जुलाई दो को तो आपका दो पाली यानी सेकेंड शिफ्ट में ये जो आपका पेपर होगा तो वो यहाँ पर आपके जो है कम्प्लीट होंगे आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप सभी लोग को पता होगा पता होगा कि टी थर्ड में आपके शिक्षा विभाग उसके साथ ही जो आपके अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग है तो उसकी आपकी वैकेंसी है तो किस तरीके से उसका आपका पेपर जो है पक्का होगा जैसे पहला पेपर आप यहाँ पर देखेंगे तो उन्नीस जुलाई दो को है तो उन्नीस जुलाई दो को जो आपका पेपर होगा तो यदि आप यहाँ पर शिक्षा विभाग यानी जो आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट की सिक्स टू एट यानी जो आपकी जूनियर की वैकेंसी है तो सभी विषय के विद्यालय अध्यापक जिसमें आप यहाँ पर गणित एवं विज्ञान विषय के शिक्षक हों या फिर आप यहाँ पर समाज विज्ञान के लिए फॉर्म सबमिट किया या फिर हिंदी अंग्रेजी संस्कृत एवं उर्दू तो ये आपका जो पेपर होगा तो पर आपके जुलाई दो जुलाई 2024 को तो बीस जुलाई दो को यदि आप यहाँ पर शिक्षा विभाग यानी जो आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो उसके लिए आप यहाँ पर प्राइमरी प्राइमरी में सभी विषय के विद्यालय अध्यापक जो कि आप सभी लोग को पता होगा कि प्राइमरी में भी आपके सामान्य विषय के शिक्षक होते हैं उर्दू विषय के शिक्षक और उसी के साथ उसके लिए फॉर्म सबमिट किए होंगे तो उसका भी पेपर जो आपका होगा यहां पर आपके बीस 20 जुलाई दो को होगा ध्यान रखिएगा जैसे आप लोग सोचेंगे कि हम यहाँ पर सामान्य विषय के जो शिक्षा के अंतर्गत वैकेंसी है उसके लिए भी फॉर्म सबमिट किए हैं प्राइमरी में और वहीं हम यहां पर अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग की वैकेंसी है तो इसमें भी हम यहाँ पर प्राइमरी के लिए फॉर्म सबमिट किए हैं तो दोनों पेपर यहाँ पर आपका बीस 20 जुलाई दो को ही दिखा रहा है तो क्या आपका अलग अलग पेपर होगा तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है आप यहाँ पर ध्यान रखेगा जब यहाँ पर आप पेपर देने जाएंगे तो सिर्फ आपको एक ही पेपर जो है वो देना होगा और भले ही आप अपना फॉर्म अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग उसके साथ ही आप यहाँ पर शिक्षा विभाग के लिए अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए हैं आप लोग का अलग अलग पेपर नहीं होगा आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग ये आप लोग जो है वो चिंतित हो जाते हैं कि एक ही में हम लोग किस तरीके से पेपर जो है वो देंगे तो दोनों का जो आपका पेपर होगा एक ही में आपका पेपर आता है और एक ही साथ मतलब मानेंगे कि जो आप यहाँ पर पेपर देंगे वो बस आप यहाँ पर एक ही पेपर जो है वो देंगे अब यहाँ पर आगे आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका इक्कीस जुलाई दो का पेपर है तो यदि आप यहाँ पर शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो आपका नौवीं से दसवीं यानी आप यहाँ पर टी के लिए आप यहाँ पर देखेंगे माध्यमिक तथा यहाँ पर विशेष विद्यालय अध्यापक पद के लिए आप अपना फॉर्म सबमिट किए हैं और यहाँ पर देखेंगे सभी विषय के जो विद्यालय अध्यापक हैं उनको लेकर आपके जो है वो हैं चाहे आपका हिंदी हो या फिर बांग्ला हो उर्दू हो संस्कृत हो अरबी हो फारसी हो अंग्रेजी हो विज्ञान हो गणित हो यहाँ पर आपका ललित कला नृत्य और शारीरिक शिक्षा मैथिली संगीत

आप यहाँ पर विषय जो है देख सकते हैं आपका हिंदी अंग्रेजी संस्कृत में पर आपके आप इसके लिए फॉर्म होगा अब यहाँ पर आगे आप यहां पर अंतिम डेट जो है चौबीस तो बाईस जुलाई दो हजार चौबीस को आपका दो शिफ्ट में पेपर होगा तो पहले शिफ्ट में जो आपका पेपर होगा यहाँ पर आपके साथ नौ बजे से लेकर बारह बजे तक सेकेंड शिफ्ट में आपका पेपर जो होगा वो यहाँ पर आपके ढाई बजे से लेकर पाँच बजे तक आप यदि यहाँ पर ग्यारहवीं से बारहवीं यानी आप यहाँ पर पीजीटी के लिए आप यहाँ पर सभी विषय यानी किसी भी विषय के लिए अपना फॉर्म सबमिट किए हैं किस में आप यहाँ पर देखेंगे शिक्षा विभाग में या फिर यहाँ पर जो आपके अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग की वैकेंसी है तो उसके लिए अपना फॉर्म सबमिट किए होंगे तो आपका यहाँ पर बाईस जुलाई को और यहाँ पर सुबह के शिफ्ट में आपका पेपर होगा और वहीं आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यदि छठवीं से लेकर दसवीं तक यानी जो आपके अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग की वैकेंसी है तो इसके लिए और इसमें भी आप यहाँ पर विषय जो है वो देख सकते हैं यानी आप यहां पर कंप्यूटर कंप्यूटर एवं संगीत कला विषय के लिए अपना फॉर्म सबमिट किए हैं तो यहां पर आपका बाईस जुलाई को और यहां पर सेकेंड शिफ्ट में जो आपका पेपर होगा तो वो यहां पर आपके कंप्लीट जो है वो कराए जाएंगे तो आई होप आप यहां पर समझ गए होंगे कि कौन से डेट को और किस तरीके से आपका यहाँ पर जो पेपर होगा वो यहाँ पर आपका जो है कंडक्ट करा जाएगा तो ये आपका बीपीएससी की तरफ से जो आपका री एग्जाम का शेड्यूल है तो यहाँ पर आपके ऑफिशियल जो है वो जारी कर दिया गया आप इसे बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाकर जो है प्राप्त कर सकते हैं बाकी आप इसे नहीं देखे होंगे तो इसे हम टेलीग्राम पर जो है वो शेयर कर दिए हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा तो वहां से आप जाकर जो है वो देख सकते हैं ताकि आप यहां पर पता जो है अपना लगा सकें कि कौन से मतलब किस में आप अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए हैं और कौन से विषय के लिए अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए हैं और कौन से डेट को यहां पर जो आपका पेपर होगा तो वो यहां पर आपके जो है कंडक्ट कराए जाएंगे तो आई होप आप लोग यहां पर यदि शिक्षा विभाग के लिए फॉर्म सबमिट किए होंगे तो आसानी से आप यहाँ पर समझ जाएंगे बाकी यदि आपका नॉर्मल विषय होगा शिक्षा विभाग के लिए उसके साथ ही अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग के लिए तो उसके लिए भी आप यहाँ पर आसानी से जो है वो समझ जाएंगे बाकी यदि कुछ मान लीजिए आपके यहाँ पर सब्जेक्ट वगैरह है तो इसमें यहाँ पर क्या है कि आप लोग का मतलब हो सकता है कि अलग अलग यहाँ पर शेड्यूल वगैरह हो या फिर अलग अलग डेट में यहाँ पर आपका पेपर हो तो आप अपने से जो है वो देख लीजिएगा फिर उसके बाद आपकी जो तैयारी वगैरह है उसे आप यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है वो करिएगा हालाँकि इसमें कोई आपका उतना यहाँ पर कठिनाई नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर जो आपका शेड्यूल वगैरह है तो वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो आप लोग शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग के लिए अपना फॉर्म यानी दोनों विभाग के लिए अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए हैं तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप का जो दोनों का पेपर होगा वो यहाँ पर आपका एक ही में पेपर होता है यानी तो यहाँ पर आपके बीपीएससी की तरफ से जो है जाएंगे तो अभी के लिए अपडेट है, है तो आप सभी लोग पता है कि हम इस प्लेटॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर देते हैं और अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं होंगे सब्सक्राइब करते वेलाइकन को प्रेस जो जरूर कर लीजिएगा मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट थैंक यू फॉर लिसनिंग ब्लेस वाल थैंक यू